Hello students, good morning. Once again you are most welcome on our Sanskaram YouTube channel. And my dear students, this video is dedicated for class 8th competition only. This is our lecture number 31, and today 2nd June Tuesday we start the next short question answer of chapter number 3. So now start the question number 27. Our question number 27 is, explain how manufacturing of synthetic fiber is actually helping in the conservation of forests. उसने हमसे पूछा है कि भाई सिंथेटिक फाइबर जो हम बनाते हैं वो एक्चुअली किस तरीके से हेल्प करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करने में. सो हमारा आंसर है इसका ऑन पेज नंबर 49 नंबर पेज पर. चलिए देखते हैं. आवर आंसर इज स्टार्ट फ्रॉम हेयर. द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, आप इसे कट कर दीजिए, इज हेल्पिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. बिकॉज से स्टार्ट कीजिए फिर. द फुल्ली सिंथेटिक फाइबर आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, यहाँ आप कट कर सकते हैं. सो नो ट्री हैव टू बी कट डाउन फॉर मेकिंग दैम. यहाँ तक हमारा आंसर जो वो कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट आर प्लास्टिक्स. नेम एनी 5 कॉमनली यूज आर्टिकल मेड ऑफ प्लास्टिक. कि प्लास्टिक्स क्या है और किन्हीं 5 आर्टिकल्स का नाम बताइए जो हम कॉमनली यूज करते हैं. सो हमारा आंसर है ऑन पेज नंबर 49 एंड 50. देखिए यहाँ हमें प्लास्टिक की डेफिनेशन मिलेगी कि प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक मेटल विच कैन बी माउल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप व्हेन सॉफ्ट देन हार्डन टू प्रोड्यूस ए ड्यूरेबल आर्टिकल. यहाँ तक ये प्लास्टिक की डेफिनेशन है. उसके बाद देखिए उसने हमसे पूछा था कि प्लास्टिक के यूज, कॉमनली यूज की जो थिंग्स बनाई जाती हैं वो हमें 49 पे हम उसका एग्जांपल लेंगे. यहाँ से देखिए पेज नंबर 49 आपका. एवरीडे लाइफ में देखिए प्लास्टिक बैग्स, वाटर बॉटल, बकेट्स, मग, वाटर टैंक्स, आप यहाँ से कोई भी 5 जो है वो लिख सकते हैं क्योंकि कॉमनली यूज की थिंग्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. बेटा क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा गया व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लास्टिक. देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है. यही क्वेश्चन उसने हमसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी पूछा है, मैंने चेक किया है. तो हम यहाँ पर सिर्फ नेम ऑफ द प्लास्टिक लिखेंगे, 2 टाइप्स के जो प्लास्टिक उनके नाम लिखेंगे और उनके 2-2 एग्जाम्पल लिख देंगे. आप इस तरीके से लिख सकते हैं. देखिए जैसे यहाँ हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लिखा और यहाँ थर्मोप्लास्टिक. तो थर्मोप्लास्टिक लिख के उसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 2 एग्जाम्पल. यहाँ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसके 2 एग्जाम्पल यहाँ हम लिख सकते हैं. टाइप ऑफ प्लास्टिक, टाइप ऑफ प्लास्टिक में हम लिखेंगे 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, नेम लिख देंगे 1 थर्मोप्लास्टिक, 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और यहाँ पर उनके एग्जाम्पल लिख देंगे. चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका, पेज नंबर 50 और 51 पर है. यहाँ देखिए टाइप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक आर ऑफ 2 टाइप, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. यहाँ तक हुआ. उसके बाद थर्मोप्लास्टिक लिखिए, 2 एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक आप लिखेंगे पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, आप पीवीसी भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट पेज पे चलिए, ये हमारा पेज नंबर 50 है, नेक्स्ट पेज है 51. यहाँ देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नेम लिखा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और उसके 2 एग्जाम्पल हम लिख देंगे यहाँ पे, बैकेलाइट एंड मेलेमाइन. ये रहे नीचे, देखिए बैकेलाइट एंड मेलेमाइन आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दे आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. बस आपको इतना ही लिखना है, 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक लिख के उसके 2 एग्जाम्पल लिख देंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लिखा उसके बाद उसके 2 एग्जाम्पल लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 में उसने हमसे पूछा है कि व्हाई आर थर्मोप्लास्टिक आर नॉट यूज फॉर मेकिंग फ्राई पैन हैंडल्स. बेटा इसका आंसर हमें कुछ अपनी तरफ से लिखना होगा, मैं आपको बता देता हूँ. हमारा आंसर मिलेगा, हमें थोड़ा सा हिंट मिलेगा पेज नंबर 51 पे. चलिए देखते हैं. देखिए यहाँ उसने एक बोतल का एग्जाम्पल दे रखा है जो कि थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई है.
यहाँ पे देखिए, दिस हैपन बिकॉज द बोटल इज मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक विच बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड बाई हॉट वाटर एंड चेन शेप। तो हम ये लिख सकते हैं अपने आंसर में कि जो हैंडल्स हैं कुकवेयर्स के, दीज आर नॉट मेड बाई थर्मोप्लास्टिक बिकॉज थर्मोप्लास्टिक बिकम सॉफ्ट एंड गेटेड सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड। यहाँ तक ये लाइन हम इतनी उसमें जो लाइन है वो ऐड कर सकते हैं, ये वाली लाइन जो है बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड, कि थर्मोप्लास्टिक बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड, यहाँ तक हम ये वाली लाइन उसमें आंसर में ऐड कर देंगे। एज इट इज क्वेश्चन लिखेंगे कि भाई नो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर नॉट यूज टू मेकिंग हैंडल ऑफ कुकवेयर बिकॉज थर्मोप्लास्टिक बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड, यहाँ तक हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ये सिमिलर है उसी के, कि एक्सप्लेन व्हाई फ्राइंग पैन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका आंसर एज इट इज आपको पेज नंबर 52 पे मिलेगा। देखिए हमारा आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर यूज फॉर मेकिंग द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स सच एज फ्राइंग पैन हैंडल्स बिकम प्रेशर कुकर्स बिकॉज दे डू नॉट सॉफ्टन ऑन गेटिंग हीटेड एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो फर्स्ट था उसमें पूछा था कि थर्मोप्लास्टिक से क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक जो है वो दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटेड, एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों नहीं बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्योंकि दे डू नॉट सॉफ्टन ऑन गेटिंग हीटेड, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 32, व्हाई आर इलेक्ट्रिक स्विच प्लग्स एंड सॉकेट्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। कि इलेक्ट्रिक स्विच प्लग्स एंड सॉकेट्स जो हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32 और पेज नंबर 52, आंसर इसका पेज नंबर 52 पर है। हमारा आंसर स्टार्ट होगा, देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग सच एज इलेक्ट्रिक स्विच प्लग्स एंड सॉकेट्स बिकॉज दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड एंड सेकेंड पॉइंट है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है बेटा अपना, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। देखिए जो डिफरेंस है वो आपकी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, दो या तीन पॉइंट मैं आपको राइट डाउन यहाँ से राइट डाउन कर लेंगे, दो या तीन पॉइंट। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑन पेज नंबर 51 एंड 52। बेटा फर्स्टली तो हम क्या करेंगे, एक साइड लिख लेते हैं थर्मोप्लास्टिक, दूसरी साइड लिख लेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बीच में इनके लाइन पता सभी को, पॉइंट जो हम राइट डाउन करेंगे उसमें हम लिखेंगे ओनली कि थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। रिपीटेडली को आप कट कर दीजिए, थर्मोप्लास्टिक यहाँ से लिखिए, एक प्लास्टिक को छोड़िए यहाँ पे, कि थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। सेकंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या आएगा आपका, कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, एक पॉइंट अपना ये हुआ। सेकंड पॉइंट अपना होगा यहाँ पे कि थर्मोप्लास्टिक कैन बी माउल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, थर्मोप्लास्टिक कैन बी माउल्डेड इनटू डिफरेंट शेप। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हम लिखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी माउल्डेड इनटू डिफरेंट शेप। हम यहाँ से डेफिनेशन से दो पॉइंट बना लेंगे इसके। फर्स्ट पॉइंट ये कि थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। सेकंड पॉइंट कि थर्मोप्लास्टिक कैन बी माउल्डेड इन टू डिफरेंट शेप। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में सेकंड पॉइंट क्या होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी माउल्डेड इन टू डिफरेंट शेप। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट में एग्जाम्पल लिख देंगे, ये हमारे थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं पोलिथीन एंड पोलीविनाइल क्लोराइड, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हमारे एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ये हमारा आंसर है, तीन पॉइंट इसमें विद एग्जाम्पल अपने बन जाएंगे इजिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर।
तो हमारा एक सिंगल वर्ड का आंसर है पहले तो नो, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देंगे। तो हमारी एक्सप्लेनेशन हमें मिलेगी पेज नंबर 52 पर। चलिए देखते हैं बेटा, हमारा आंसर स्टार्ट होगा नो से, ठीक है नो। उसके बाद रीजन यहाँ से, बिकॉज द हैंडल ऑफ ए टूथब्रश हैज टू बी हार्ड एंड रिजिड, वेयर द ब्रिस्टल ऑफ ए टूथब्रश हैव टू बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। दिस मीन दैट हैंडल ऑफ ए टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड द वेयर द ब्रिस्टल शुड बी मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, बिकॉज से थर्मोप्लास्टिक तक, और स्टार्टिंग करेंगे नो से। नो राइट डाउन करके और हम एक यहाँ पे हल्का सा ऐसे निशान रख देते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में उसने हमसे पूछा है एक्सप्लेन व्हाई, कि क्यों प्लास्टिक कंटेनर्स आर प्रेफर्ड फॉर फूड स्टोरिंग, कि प्लास्टिक कंटेनर्स को हम खाना स्टोर करने के लिए क्यों रखते हैं। तो हमारा आंसर है इसका ऑन पेज नंबर 53। हमारा आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से, बिकॉज ऑफ लोअर प्राइस, इजी अवेलेबिलिटी, लाइट वेट, गुड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ प्लास्टिक दैट द प्लास्टिक कंटेनर्स आर प्रेफर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। हमारा आंसर यहाँ से बिकॉज से स्टार्ट होगा बेटा, और कहाँ पर, स्टोरिंग फूड पर आकर फिनिश हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 36 में उसने पूछा है हमसे, चूज द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फ्रॉम द फॉलोइंग। ये मैं आपका यहीं पे कवर करा देता हूँ कि देखिए, पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, दे आर द थर्मोप्लास्टिक। ये क्या है बेटा, दोनों थर्मोप्लास्टिक हैं। मेलेमाइन एंड बैकेलाइट, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। यही आप टिक भी कर सकते हैं बुक में, और आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसने सिर्फ यही पूछा था कि इनमें से चूज करना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से और थर्मोप्लास्टिक कौन से। तो हमें पता पॉलीथीन और पीवीसी जो हम पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो थर्मोप्लास्टिक हैं। मेलेमाइन और बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। क्वेश्चन नंबर 37, स्टेट टू यूज ऑफ पॉलीथीन, टू यूज ऑफ पॉलीथीन। आपका आंसर मिलेगा पेज नंबर 50 पे। हमारा आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से, पॉलीथीन यूज इन मेकिंग पॉलीथीन बैग्स, सेकंड पॉलीथीन यूज मेकिंग बोटल्स। ये दो आप लिख सकते हैं कि पॉलीथीन यूज इन मेकिंग पॉलीथीन बैग्स, सेकंड, देखिए सेकंड में राइट डाउन करनी पड़ेगी यही लाइन आपको, कि पॉलीथीन आल्सो यूज फॉर मेकिंग बोटल्स। आप बकेट्स भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या डस्टबिन भी लिख सकते हैं, कि पॉलीथीन यूज फॉर मेकिंग बकेट्स, पॉलीथीन यूज फॉर मेकिंग डस्टबिन। कोई भी दो आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ दो ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, इट इज़ थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो पीवीसी की फुल फॉर्म आपको मिलेगी पेज नंबर 50 पे, और आपको यही बता देता हूँ पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक है। देखिए पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, और क्या है ये पीवीसी, थर्मोप्लास्टिक। क्या है, थर्मोप्लास्टिक। क्या बेटा, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट टू यूज ऑफ बेकेलाइट, राइट टू यूज ऑफ बेकेलाइट। चलिए देखते हैं इसका आंसर हमारा 39 का पेज नंबर 50 पर। ऑन पेज नंबर 50 देखिएगा, स्टार्ट होगा यहाँ से, बैकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग हैंडल ऑफ वेरियस कुकिंग यूटेंसिल्स, सेकंड है अपना बैकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग सच एज इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग, सॉकेट्स एट्सेट्रा। टू यूज पूछा था, टू यूज हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, स्टेट टू यूज ऑफ मेलामाइन। हमारा आंसर ऑन पेज नंबर 50। आंसर स्टार्ट हियर, मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोरटाइल, सेकंड कि मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक। बेटा ये आपको एज इट इज लिखना होगा इसमें, कि मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। सेकेंड ऑप्शन में भी आपको ये लिखना, सेकेंड यूज में, कि मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, गिव टू यूज ऑफ पीवीसी ऑन पेज नंबर 50। हमारा आंसर स्टार्ट है पीवीसी यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, सेकंड पीवीसी यूज फॉर मेकिंग पाइप्स और गार्डन होसेस, आप कोई भी दो लिख सकते हैं एज इट इज, जैसे मैंने मेलामाइन और बेकलाइट के बताए हैं आपको ये लाइन सेम लिखनी होगी, पीवीसी यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, सेकंड पीवीसी यूज फॉर मेकिंग पाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, राइट सम यूज ऑफ प्लास्टिक इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हमारा आंसर ऑन पेज नंबर 50। दैट प्लास्टिक आर यूज एक्सटेंसिवली इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स आर यूज ऑफ यूज इन द पैकिंग ऑफ टैबलेट्स, मेकिंग सीरिंज, डॉक्टर ग्लव्स, यहाँ तक हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं टिक करा देंगे आपको, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, तो मैं बायोडिग्रेडेबल को ओनली टिक करूंगा यहाँ पे। देखिए वुलन क्लॉथ जो है हमारे बायोडिग्रेडेबल हैं, पोलिथीन बैग नहीं, पेपर बायोडिग्रेडेबल, एल्यूमिनियम कैंस नॉन बायोडिग्रेडेबल है, टूथब्रश नॉन बायोडिग्रेडेबल, पील ऑफ वेजिटेबल फ्रूट यस ये बायोडिग्रेडेबल है, कॉटन क्लॉथ बायोडिग्रेडेबल, जूट बैग बायोडिग्रेडेबल, इलेक्ट्रिक स्विच एंड फ्राइंग पैंस हैंडल जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिन पे मैंने टिक किया है वो बायोडिग्रेडेबल हैं और जिन पे टिक नहीं किया वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, स्टेट वेदर प्लास्टिक इज बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का पेज नंबर 54 पे। बेटा देखिए हमें जो आंसर है वो क्वेश्चन की सेंस पर लिखना होगा, उसने हमसे पूछा था क्या प्लास्टिक एक बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो हम लिखेंगे प्लास्टिक, देखिए यहाँ पे उसने लिखा है नॉन बायोडिग्रेडेबल के जो एग्जांपल दिए उसमें प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्यों है, क्योंकि प्लास्टिक इज नॉट, हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे फिर इसे कट कर देंगे ऊपर से, कि प्लास्टिक इज नॉट ईजली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज का, यहाँ तक ये हमारा रीजन है, बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट ईजली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, बिकॉज लिख के और यहाँ ये लाइन जो हम वो ऐड कर देंगे, बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट ईजली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, और फर्स्ट पूछा था प्लास्टिक है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो हम लिखेंगे प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 कि एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज ए बैड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, तो हमारा आंसर है ऑन पेज नंबर 54 पे। बेटा हम आंसर देंगे लेकिन इसमें काफ़ी एक्सप्लेन कर रखा, हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे कि द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज ए बैड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, क्यों है कि प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल, सेकेंड कि द प्लास्टिक पार्टिकल्स थ्रोन हेयर एंड देयर केयरलेसली गेट इन टू डर्टी वाटर ड्रेन्स एंड सीवर एंड क्लोक दैम, सेकेंड पॉइंट हम ये लिखेंगे, थर्ड पॉइंट कि समटाइम को कट कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, द प्लास्टिक वेस्ट कैन चोक द एलिमेंट्री सिस्टम लिखेंगे हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, एलिमेंट्री सिस्टम ऑफ एनिमल्स, ठीक है, नहीं तो आप ऊपर के दो पॉइंट वो लिख सकते हैं, अगर आप ऐड करना चाहें थर्ड पॉइंट तो आप थर्ड पॉइंट भी ऐड कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज ए मेजर प्रॉब्लम, गिव टू रीजन ओनली, तो हमारा आंसर पेज नंबर 54 पर ही है। चलिए देखते हैं, हमारा आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से कि द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज ए मेजर प्रॉब्लम, ये दीज आर द टू वेज, द आर्टिकल मेड ऑफ प्लास्टिक आर, फर्स्ट वे ये है कि द आर्टिकल ऑफ मेड ऑफ प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे डू नॉट डिकम्पोज ईजली, फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ तक लिख देंगे, सेकेंड पॉइंट कि द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट गिव्स द हार्मफुल गैसेज विच पोल्यूट द एयर, सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ तक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में उसने हमसे पूछा है व्हाट आर द वेरियस वेज टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सेसिव प्लास्टिक वेस्ट, तो हमारा 47 का आंसर है बेटा बिल्कुल लास्ट पेज पे 55 नंबर पेज पे। चलिए देखते हैं, आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से, जो ऊपर जो हेडिंग लिखी थी वो यही थी कि द वेरियस वेज
फर्स्ट है हमारी वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिख लीजिए। सेकंड, वी शुड नॉट थ्रो पॉलिथिन बैग्स रैपर्स ऑफ चिप्स बिस्किट एंड अदर डिटेबल इन वाटर बॉडीज, सेकंड पॉइंट आप यहाँ तक लिखिए। थर्ड पॉइंट लिखिए आप, वी शुड रीयूज द प्लास्टिक कंटेनर विच कम विद जैम पिकल्स ऑयल एंड अदर पैकेट फूड मटेरियल्स, यहाँ तक आप ये तीन पॉइंट जो हैं वो लिख दीजिए, ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि हाउ डू केयरलेसली थ्रोन प्लास्टिक बैग अफेक्ट डर्टी वाटर ड्रेन्स एंड सेवर्स, बी एनिमल्स। तो ए का आंसर हम देखिए देखते हैं चलिए, 48 में पेज नंबर 54 पे मिलेगा हमें। हमारा आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से कि द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल्स थ्रोन हेयर एंड देयर केयरलेसली गेट इन टू डर्टी वाटर ड्रेन्स एंड सीवर्स एंड क्लोक दैम, दिस मेक द डर्टी ड्रेन्स वाटर टू फ्लो ओवर द सीट्स एंड रोड्स कॉजिंग अनहाइजीनिक कंडीशन। ये हमारा एक आंसर है, जो 48 का जो ए पार्ट है उसका आंसर हमारा ये है। 48 का बी पार्ट में उसने पूछा था एनिमल्स के लिए, तो चलिए पेज नंबर 54 पे चलते हैं। एनिमल्स के लिए कैसे कि समटाइम द एनिमल्स, काउ को छोड़ दीजिए, ईट अप द यूज पॉलिथिन बैग्स और प्लास्टिक रैपर अलोंग विद द फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट फ्रॉम द गार्बेज डंप, द प्लास्टिक वेस्ट कैन चोक द एलिमेंट्री सिस्टम, लिखिए आप यहाँ पे, ऑफ दीज एलिमेंट्री सिस्टम ऑफ दीज एनिमल टू फॉर्म ए, यहाँ तक आपका आंसर फिनिश हो जाएगा, लाइनिंग इन देयर स्टोमक, दिस कैन काज डेथ ऑफ दीज एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज मीन्ट बाई 3R प्रिंसिपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज ऑफ प्लास्टिक। तो हमारा आंसर है पेज नंबर 55 पर। बेटा हमारा आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से, देखिए कि द 3R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, दिस मीन्स दैट वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से। सेकंड कि वी शुड रीयूज द प्लास्टिक आर्टिकल वेयर पॉसिबल, यहाँ तक। थर्ड पॉइंट, वी शुड रिसाइकल ओल्ड एंड डिस्कार्डेड प्लास्टिक आर्टिकल यहाँ, इफ़ पॉसिबल, यहाँ तक अपना क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेट द वेरियस वे इन विच वी कैन अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक। तो हमारा आंसर है ऑन पेज नंबर 55 पे। हमारा आंसर स्टार्ट होगा फर्स्ट पॉइंट से कि वी शुड यूज द बैग मेड ऑफ कॉटन क्लॉथ और जूट फॉर शॉपिंग इंस्टेड ऑफ पॉलिथिन बैग्स। सेकेंड, पेपर बैग कैन ऑल्सो बी यूज, सिमिलरली स्टेनलेस स्टील, सिमिलरली को कट कर दीजिए, ए स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक लंच बॉक्स, कि हम ये सब वे जो हैं अपनाकर प्लास्टिक के यूज को जो है कम कर सकते हैं। सो आवर वीडियो इज फिनिश एंड आवर लेक्चर इज ऑल्सो फिनिश, थैंक यू सो मच।